नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबरों की ओर। लखनऊ शादी चोरों का गिरोह पुलिस ने किया गिरफ्तार। मकानों की रेकी करते थे चोरी। 5 शादी चोरों को भेजा गया सलाखों के पीछे। पुलिस की गिरफ्त में आए गिरोह के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, भारी मात्रा में आभूषण बरामद। पकड़े गए सभी आरोपियों पर पूर्व में भी दर्ज हैं कई मुकदमे। थाना पारा व DCP वेस्ट की सर्विलांस टीम ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। ADCP वेस्ट चिरंजीव नाथ सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर मामले का किया पर्दाफाश। सर, आज पानपारा थाना क्षेत्र में जो खुलासा हुआ है, कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ घटनाक्रम था? ACP काकोरी श्री दिलीप सिंह के नेतृत्व में इंस्पेक्टर पारा और हमारे DCP पश्चिमी साहब की क्राइम टीम ने चोरों के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। इनमें 5 अभियुक्त हैं, जिसमें से मुख्य मोहम्मद अशरफ है। इसके साथ अन्य अभियुक्त भी हैं, सिराजुद्दीन, रंजीत वगैरह। मुख्य बात यह है कि ये पहले बंद मकानों की या ऐसे मकानों की जहां की उस समय कोई व्यक्ति नहीं रह रहा हो, उसकी रेकी करने के बाद जो ये मुख्य अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध जो नरेश लोधी है, जिसके विरुद्ध कम से कम 25 से 26 मुकदमे पंजीकृत हैं जनपद में और जनपद के बाहर भी, वो इन अभियुक्तों को, अपने साथी अभियुक्तों को वो हायर करता है या फिर उनको इनवाइट करता है उसको, और फिर वो इस घटना को अंजाम देते हैं। इस पे इन्होंने कंटिन्यू वर्कआउट किया और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के माध्यम से तथा ग्राउंड इंटेलिजेंस के माध्यम से इस गैंग का पर्दाफाश किया गया है। और आप देखेंगे कि नरेश लोधी है, इसके विरुद्ध करीबन 25 के आसपास मुकदमे हैं। सिराजुद्दीन मुन्ना जो आपको ये प्रेस नोट में है, मोहम्मद अफजल, रंजीत राजपूत, सभी के विरुद्ध अनेक मुकदमे हैं। और अभी इसने चिन्हट में भी एक 392 यानी कि लूट की घटना को कार्य किया। तो एक बहुत अच्छा पारा थाने की पुलिस का जो काम है और हमारे DCP पश्चिमी साहब की क्राइम टीम का, जो हमारे ACP साहब के नेतृत्व में किया है, इसके लिए CP सर ने इनके उत्साहवर्धन हेतु नकद पुरस्कार से इनको पुरस्कृत करना की घोषणा भी किया है। और इनके पास से एक अवैध तमंचा और आप जो ये देख रहे हैं काफ़ी सामान ये बरामद हुआ है, सोने चांदी के फोन भी बरामद हुआ है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। किन किन इलाकों में ये घटनाओं को अंजाम दे रहे थे? देखिए, जब पारा है, ठाकुरगंज है, तावे कटोरा है, चिन्हट है, महानगर है, मानक नगर है, आपका बाराबंकी में भी किया है इन्होंने कई घटनाएं, और सरोजनी नगर में घटनाओं को किया है। इस तरह से पूरा इनका अभी तक तो इतनी प्रकाश में आ चुका है, करीब 25-30 मुकदमे हैं और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की। सभी का है। इनके बारे में अभी कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं और इनसे सघन पूछताछ की जा रही है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की। इसमें और अभी देखिए, जो कुछ और भी नाम आए हैं,